Good morning to all of you, my dear friends. Today we have the very next topic, that is a voice of simple past tense. And in this topic अपन जो cover करने वाले हैं आज के class में voice की practice, वो होगी अपनी past tense की होगी, है ना, जो simple का past tense है उसकी practice आज अपनी होगी. So let's start the topic of the day is, so let's come on the question. So very first sentence that we have, the sentence is he stole her purse. ये देखो, ये सेंटेंस लिखा हुआ है he stole her purse. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये her purse क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा, आप लिखोगे her purse, है ना, क्या लिखोगे, her purse was stolen by him, ठीक है ना, was stolen by him हो जाएगा, क्लियर. और नेक्स्ट का क्या बनेगा, नेक्स्ट का भी हम लोग देख लेते हैं. अच्छा, वॉज क्यों लगाया मैंने, देखो वॉज पर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये किसका है, ये पास्ट सिंपल का है, किसका है, पास्ट सिंपल का है. और पास्ट सिंपल के सेंटेंस की जब आप वॉइस को बनाते हो तो आप उस टाइम पे यूज़ करते हो किसका, या तो आप वॉज का करोगे या आप किसका करोगे, या आप वर का यूज़ करते हो, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक, इन्हीं दो चीज़ का अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, सुधीर जी एम्प्लॉयड 10 men, ये लिखा हुआ है. देखो सुधीर जी एम्प्लॉयड 10 men. अब सुधीर जी ने क्या किया, एम्प्लॉयड किया है 10 men को, तो हम क्या करेंगे, 10 men को लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो 10 men दिया गया है, तो ये 10 men हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 men वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 men वर एम्प्लॉयड बाय सुधीर जी हो जाएगा, ठीक है. तो क्या बनेगा इसका, 10 men एम्प्लॉयड बाय सुधीर जी इसका बन जाएगा, क्लियर. अब नेक्स्ट हमारे पास है ही डिड नॉट एम एट द हेयर. अब वो क्या किया, डिड नॉट एम एट द हेयर किया, तो ये जो द हेयर लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका क्या बनेगा, द हेयर वॉज नॉट एम्ड एट बाय हिम, क्या बनेगा, द हेयर वॉज नॉट एम्ड एट बाय हिम. चलो ठीक है, डिड सी टेल अ लाई, डिड सी टेल अ लाई, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा, देखो अब ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, ये लिखा हुआ तुम्हारा इंट्रोगेटिव में लिखा है, तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये मानो कि हमारे पास ये अफर्मेटिव है, टोल्ड वाले का, यदि मैं इसका बनाता हूँ सी टोल्ड अ लाई, ठीक है, देखना ध्यान देना, यदि मैंने लिख दिया सी टोल्ड अ लाई, अब सी टोल्ड अ लाई का आप क्या बनाते, आप यही बनाते अ लाई वॉज टोल्ड बाय हर, यही बनाते कि नहीं बनाते, अ लाई वॉज टोल्ड बाय हर, तो अ लाई वॉज टोल्ड बाय हर बना लो ऐसे, यहाँ पे लिख लो अ लाई वॉज टोल्ड बाय हर, इसको ऐसे बना लो टोल्ड बाय हर. अब जब ये बन गया आपका, तो वॉज को क्या करो आप, लिख दो अ लाई के पहले, तो क्या बन जाएगा, वॉज अ लाई टोल्ड बाय हर बन जाएगा इसका, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कहता है, सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टूडे, He replied to all the question. अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर ऑल द क्वेश्चन दिया गया है, तो ऑल द क्वेश्चन वर रिप्लाइड बाई हिम, क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चन वर रिप्लाइड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है. चलो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसको अपन देख लेते हैं. तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने को, वी रिफ्यूज देम एडमिशन, ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं, वी रिफ्यूज देम एडमिशन, ये बोल रहे हैं वहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, वी रिफ्यूज देम एडमिशन या दियर एडमिशन होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, ये देम नहीं होगा यहाँ पर, ये दियर होगा, क्या होगा, ये दियर होगा आपका, ठीक है ना, दियर एडमिशन होता है, देम एडमिशन नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है. चलो क्लियर, इसको आप थोड़ा सा अपन देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर दियर एडमिशन होगा, क्या होगा तुम्हारा, ये दियर एडमिशन का पार्ट चलेगा, ठीक है, इसको कन्फर्म करना आप वहाँ पर. चलो इसको हम देखते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं फिर अपना इसको क्या बनता है.
तो आ जाओ चल इसको देख लेते हैं अपन वहां पर। ठीक, क्या लिखा है? वी रिफ्यूज दियर एडमिशन, तो क्या आ जाएगा? दियर एडमिशन वॉज रिफ्यूज बाय अस, रिफ्यूज बाय अस, ठीक है ना, वी का अस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दियर एडमिशन वॉज रिफ्यूज बाय अस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोल रहा है द जज फॉर गिव द क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट, क्या बन गया? द जज फॉर गिव द क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या? द क्रिमिनल फॉर हिज फॉल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा द हिज फॉल्ट, द क्रिमिनल इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, द क्रिमिनल वॉज फॉर गिवेन बाय द जज फॉर हिज फॉल्ट, क्या बनेगा? द क्रिमिनल वॉज फॉर गिवेन बाय द जज फॉर हिज फॉल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बन रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सी वॉज्ड अ टीवी, तो क्या हो जाएगा? अ टीवी वॉज वॉज्ड बाई हर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आ, यहाँ पे लिख दोगे अ टीवी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा वॉस्ड हो जाएगा, अ टीवी वॉज्ड बाई हर हो जाएगा। ठीक, चलो अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बनता है इसका? राहुल पेंटेड दिस पिक्चर, क्या बनेगा? राहुल पेंटेड दिस पिक्चर, तो राहुल पेंटेड दिस पिक्चर का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा दिस पिक्चर बनेगा, तब ये दिस पिक्चर क्या बनेगा? दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाई राहुल हो जाएगा। चलो ये भी हमारा हो गया, दिस पिक्चर पेंटेड बाई राहुल हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है अपना, देखते हैं उसको, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है? तो सर सॉरी सर, एक मिनट वेट, इसमें लिखा हुआ है नीलू निटेड द स्वेटर, क्या लिखा हुआ है? नीलू निटेड द स्वेटर। ठीक है, चलो अब उसको भी देख लेते हैं अपन, नीलू निटेड द स्वेटर जो लिखा हुआ पे, तो इसका क्या बनेगा जल्दी जल्दी बताना? इसका बनेगा नीलू निटेड द स्वेटर का, द स्वेटर हो जाएगा, द स्वेटर वॉज निटेड बाई नीलू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या लिखा है? हु टॉट यू मैथामेटिक्स, तो हु टॉट यू मैथामेटिक्स में क्या हो जाएगा? बाई होम यू वर टॉट मैथामेटिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बाई होम यू वर टॉट मैथामेटिक्स हो जाएगा। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्या बन रहा है अपना? वेयर डिड ही बाय दिस चेयर, वेयर डिड ही बाय दिस चेयर, तो इसका क्या बनेगा? दिस चेयर वॉज बॉट, सॉरी क्या लिखा? वेयर डिड ही बाय दिस चेयर, तो अब देखो इसमें वेयर डब्ल्यू एच भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन वाले हमारे वर्ड भी इसमें दिए गए हैं वहाँ पे, तो मैं यदि इसका बनाता हूँ तो इसका बनेगा वेयर वॉज दिस चेयर बॉट बाय हिम, क्या बनेगा? वेयर वॉज दिस चेयर बॉट बाय हिम। नेक्स्ट है वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, सो ही वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट, ही वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट, ये बनेगा तुम्हारा, है ना, तो इसका क्या बन जाएगा? वाई वॉज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट हो जाएगा, वाई वॉज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट। फिर क्या बनेगा? द डेंटिस्ट पुल्ड आउट टू टीथ ऑफ माई मदर, द टू टीथ ऑफ माई मदर वॉज पुल्ड आउट बाय द डेंटिस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बन रहा है अपना? द शॉपकीपर इसका बनेगा, द शॉपकीपर ये है ना तुम्हारा, द शॉपकीपर गेव मी 2 किलोज ऑफ शुगर, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवेन 2 किलोज ऑफ शुगर बाय द शॉपकीपर। ठीक है, इसको इतना कन्फर्म रखना, क्या बनेगा? आई वॉज गिवेन, ये बन जाएगा तुम्हारा आई वॉज गिवेन 2 किलोज ऑफ शक्कर बाय द शॉपकीपर, माई अंकल टॉट इंग्लिश इन हाई स्कूल जयपुर। ठीक है ना, सो इंग्लिश इज टॉट बाई माई अंकल, इंग्लिश वॉज टॉट बाई माई अंकल इन हाई स्कूल जयपुर, क्या हो जाएगा? इंग्लिश वॉज टॉट बाई माई अंकल इन हाई स्कूल जयपुर। आई रिफ्यूज हिज एडमिशन, सो ही, तो क्या हो जाएगा इसका? हिज एडमिशन वॉज रिफ्यूज बाय मी, क्या हो जाएगा? हिज एडमिशन रिफ्यूज बाय मी। फिर क्या बनेगा? डिड ही स्वीप द रूम्स वर स्वीप्ड बाय हिम, ऐसा इसका यदि होता assertive होता तो ऐसे बनता, लेकिन इसमें did पहले लिखा है तो हम क्या करेंगे, द रूम्स के पहले इसमें was लिखेंगे हम, तो वॉज द रूम्स स्वेप्ट बाय हिम, क्या बनेगा? वॉज द रूम स्वेप्ट बाय हिम बनेगा इसका। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है अपना, देख लेते उसको,
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अपना क्या बोल रहा है उसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें लिखा है द फिशरमैन कॉट द फिशेस। अब द इसमें लिखा है फिशरमैन कॉट द फिशेस, तो इसको क्या हो जाएगा, द फिशेस वर कॉट बाय द फिशरमैन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द फिशेस वर कॉट बाय द फिशरमैन हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है, आई गेव हिम अ बुक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अ बुक वॉज, ही वॉज गिवेन अ बुक बाय मी, ही वॉज गिवेन अ बुक बाय मी हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो क्लास आज के लिए कुछ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ चीयरफुल डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू क्लास।